आखिर किस वजह से बाबेल मंदब रूट बन चुका है सबसे खतरनाक? दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे एरियाज हैं, ऐसे रीजन्स हैं, जिन्हें अलग अलग रीजन से डेंजरस माना जाता है, जो कि दूसरे देशों के लिए सेफ नहीं माने जाते या फिर दूसरे देशों के लोगों के लिए सेफ नहीं माने जाते। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है भारतीय लोगों का पाकिस्तान जाना। अब भले ही वहाँ आपको सुपर फैसिलिटीज मिले, लेकिन आपके मन में पाकिस्तान जाते टाइम वो टेंशन फ्री वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती। क्यों, है ना? बस इसी तरह से दुनिया में एक शिपिंग रूट ऐसा है जहाँ से यूं तो कई अलग अलग देशों के ट्रेड से रिलेटेड शिप्स जाते हैं, लेकिन उस पॉइंट को, उस एक पर्टिकुलर रूट को सेफ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस शिपिंग एरियाज का टैग मिला हुआ है, जो दुनिया भर की 2% ट्रेडिंग को हैंडल करता है। लेकिन फिर भी डेंजरस होने के टैग से जूझ रहे हैं, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी यूनाइटेड स्टेट आगे आई है, लेकिन फिर भी इसे सेफ नहीं कर पाने में नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो आइए फिर जानते हैं कि आखिर ये रूट कौन सा है और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। ये है बाबेल मंदब। इस जगह को गेट ऑफ ग्रीफ और गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्ट्रेट है जो कि अरेबियन पेनिनसुला के यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबोटी और एरिट्रिया के बीच बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये स्ट्रेट क्या होता है? तो देखिए, स्ट्रेट होता है एक लैंडफॉर्म जो कि दो वाटर बेसिन्स या फिर दो सीस को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। बाबेल मंदब का यही काम है कि वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, और इसमें इंडियन ओशन का एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिल जाता है। बाबेल मंदब एक ऐसा स्ट्रेट है जिसका नाम ही इसके खतरनाक होने की वजह से ये रखा गया है। इस स्ट्रेट के पीछे ये हिस्ट्री बताई जाती है कि एक अरब के लेजेंड ने बताया था कि इस जगह पर इतने ज्यादा अर्थक्विक्स देखने को मिले कि उन्होंने अरेबियन पेनिनसुला को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग कर दिया। बाबेल मंदब में बॉब का मतलब है गेट और मंदब का मतलब है लेमेंटेशन या फिर ग्रीफ। इस जगह पर अभी तक इतने डेंजरस अटैक्स हो चुके हैं कि इस नाम को इसके लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। बात करें अगर इसके ज्योग्राफिकल एरिया की और स्ट्रक्चर की, तो ये अराउंड 26 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, यमन के रास मनहेली से लेकर जिबोटी के रास सयान तक। इस स्ट्रेट पर बना पेरिम नाम का आइलैंड इसे दो चैनल्स में डिवाइड करने का काम करता है। ये एक तरह का वोल्केनिक आइलैंड है जिसे अरेबिक भाषा में मनयन्यू भी कहा जाता है। पेरिम आइलैंड जिन दो चैनल्स में स्ट्रेट को डिवाइड करता है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में है, जिनमें ईस्टर्न डायरेक्शन वाले को बॉब स्कंदर यानी कि अलेक्जेंडर स्ट्रेट कहा जाता है और वेस्टर्न डायरेक्शन वाले को डक्टमल मानयू कहा जाता है। बात करें अगर बाब स्कंदर की, तो ये 5.37 किलोमीटर लंबा है और 96 फीट डीप है। वहीं दूसरी तरफ डक्टल मायूंग की चौड़ाई 20.3 किलोमीटर है और ये 1020 फीट गहरी है। जिबोटी के पास कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा, जिन्हें सेवन ब्रदर्स बोला जाता है। आखिर ये स्टेट इतना क्यों जरूरी है? देखिए, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जिस जगह पर हम इतने अटैक्स होने की बात कर रहे हैं, उसे अभी तक ओपन क्यों करके रखा गया है? तो आपको बता दूं कि जो बाबेल मंदब है वो एक स्ट्रेटेजिक लिंक की तरह काम करता है इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच, और इसका रास्ता रेड सी और स्यूज कैनल से होकर ही जाता है। ज्यादातर तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट है, वो इसी रूट से होकर बाकी दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। इजिप्ट को जाने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन का रूट भी यहीं से होकर जाता है। आपको शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन हर साल इस रूट से कई बिलियन टन्स ऑफ कार्गो एक्सपोर्ट होते हैं। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बाबेल मंदब से दुनिया भर की 25% शिपिंग की जाती है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9% ऑफ टोटल सी बॉनी ट्रेडिट इसी रूट से होकर गया था, जो कि अपने आप में एक बड़ी परसेंटेज है। साथ ही की रूट होने की वजह से भी इसे इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि इस रूट से कई बड़े बड़े देशों तक सप्लाईज पहुंचाना आसान होता है। ब्लूमबर्ग ने टैंकर ट्रैकिंग का एक डाटा निकाला, जिसमें ये डाटा सामने आया कि इस रूट से 6 लाख बैरल्स पर डे का क्रूड ऑयल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में
भेजा जाता है। एस्टिमेट ये किया गया है कि इस जगह से एक दिन में तकरीबन 7 मिलियन एक्सपोर्ट हर दिन होता है। तो अब जानते हैं कि इस जगह पर क्यों होते हैं इतने अटैक। देखिए, हाल फिलहाल बाबल मंदब हेडलाइंस में इसलिए जगह बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर यमन बेस्ड हुती फोर्सेस की तरफ से कमर्शियल शिपमेंट्स पर कई ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेटेड ने मिलिट्री स्ट्राइक्स करने का फैसला किया और दिसंबर में इन शिप्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली। ना सिर्फ इतना, हमास और इसराइल वॉर के चलते भी इस स्ट्रेट पर शिप्स को हाईजैक करने की खबरें सामने आई। कई शिप्स पर अटैक्स की खबरें भी सामने आई, जिसकी वजह से रूट चेंज करके साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के जरिए एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर होकर निकलता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इस रूट से पर्शियन गल्फ से लेकर ह्यूस्टन का डिस्टेंस 2660 नॉटिकल माइल्स यानी कि 28% तक बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रॉटरडैम का डिस्टेंस 4800 नॉटिकल माइल और अगस्ता का डिस्टेंस 10,860 नॉटिकल माइल्स तक बढ़ जाएगा। इससे ना सिर्फ दूसरे देशों तक सप्लाईज पहुंचाने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बल्कि शिपिंग कंपनीज का फ्यूल यूसेज भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक आम इंसान की जेब से ही निकाले जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस रूट से निकलने वाले शिप्स पर अटैक्स हुए हों या फिर उन्हें हाईजैक किया गया हो। साल 2008 में भी एक क्रूड से भरे शिप को हाईजैक कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद शिप्स में एक्स्ट्रा वेपन्स भेजने शुरू किए गए, जिससे कि शिप्स पर सवार लोग अपनी हेल्प कर सके, लेकिन रीसेंट हुए अटैक्स ने इन वेपन्स को यूजलेस साबित कर दिया। इस बार इन शिप्स को शिप बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। इस अटैक के बाद से शिपिंग कंपनीज और भी ज्यादा अलर्ट हो गई। कई ने अपने रूट चेंज कर दिए तो कई ने अपने ट्रैकिंग सिग्नल्स को ऑफ कर दिया, जिससे कि उन्हें कोई ट्रैक ही ना कर सके और उनका शिप फिलहाल कहां पर है, लेकिन इन मिसाइल्स के आगे सब कुछ फेल है। साथ ही ड्रोन अटैक्स के आगे भी इस तरह के सेफ्टी मेजर्स किसी भी तरह से काम नहीं आते, और यही वजह है कि फिलहाल सऊदी अरेबिया ने तो इस रूट से ना जाने का फैसला किया हुआ है, और ये तब तक इस फैसले पर टिके रहेंगे जब तक कि इनका क्रू स्टाफ और मेंबर्स पूरी तरह से इस रूट से जाने के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। अब सोचने वाली बात यह है कि फिलहाल दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी यानी कि यूनाइटेड मिलिटेंट्स इन अटैक्स से शिप्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो इन अटैक्स के आगे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने रूट को चेंज कर दिया है। फिलहाल सब यही कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि हमास और इसराइल के बीच चल रहा ये वॉर खत्म हो जाए, तभी जाकर इन अटैक्स पूरी तरह से बैन लग पाएगा। नहीं तो इस रूट से शिपिंग करना, एक्सपोर्ट करना, सप्लाईज लेकर जाना एक इम्पॉसिबल सी चीज बन जाएगी। वैसे दोस्तों, आपका इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि इस पूरे ही प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि इसराइल और हमास के बीच चल रहा वॉर खत्म हो जाए, या फिर इसके लिए बाकी देश भी एक साथ मिलकर इन अटैक करने वाले ग्रुप्स के खिलाफ कोई स्पेशल टीम या फिर मिलिट्री ग्रुप तैयार करे जो कि इस शिपिंग रूट को सेव कर सके? तो आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।